हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कैलम क्लीन फेस वॉश के बारे में। तो यह तभी आपको दिया जाता है, रिकमेंड किया जाता है जब आपको ऑयली फेस हो या आपको पिंपल्स आ रहे हैं बार बार। तो दोस्तों, इससे मैन्युफैक्चर करता है कैलम लेबोरेटरी और इसका 100 ml का बॉटल है जिसकी प्राइस है 255 रुपया। तो जब आप इसे लेके फेस पे यूज करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, कितने समय तक किन किन कंडीशन में आपको उपयोग करना है, तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और आप चाहते हैं कि मेडिसिन की जानकारी आपको ऐसे ही हिंदी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो कैलम क्लीन फेस वॉश तभी आपको दिया जाता है जब आपका ऑयली फेस हो और फेस पे आपके डर्ट जमा होने की वजह से आपको पिंपल्स आ रहे हों या डेड सेल्स के डिपोजिशन की वजह से आपको पिंपल्स आ रहे हों, तब आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है जो अच्छे से वर्क करते हैं और हर फेस वॉश में रहना चाहिए जो पिंपल्स से फाइट कर सकें, तो इसके अंदर ग्लिसरीन है, सैलिसिलिक एसिड है, विटामिन ई एसिटेट है और सोडियम लॉरेल इथर सल्फेट है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से फोमिंग करता है और इसके अंदर आप देखेंगे कि सैलिसिलिक क्या करता है, जो डेड सेल्स रहते हैं फेस के ऊपर जिसकी वजह से हमें पिंपल्स होता है, तो डेड सेल्स का डिपोजिशन को कम करता है। इसके अंदर पीलिंग का एक्शन है और इसमें विटामिन ई एसिटेट है, ये क्या करता है फेस को हमेशा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से फेस को हमेशा टाइटनिंग बनाए रखता है, यंग लुक हमेशा देखता है, न्यू सेल्स के जनरेशन में मदद करता है। और इसके अंदर जो ग्लिसरीन है ये क्या करता है दोस्तों, जब भी कभी हम सैलिसिलिक या कोई भी ग्लाइकोलिक एसिड यूज करते हैं तो हमारे जो फेस रहते हैं उस पर ड्राइनेस के चांस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्लिसरीन होने की वजह से ड्राइनेस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, तीनों मॉलिक्यूल इसके अंदर मिलके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देते हैं। जब कभी भी आप यूज करेंगे देखेंगे कि आपका फेस पे हमेशा यंग लुक दिखेगा और साथ में जो पिंपल्स आ रहे थे वो पिंपल्स कम हो जाएंगे, जो आपका ब्लॉक हो जा रहा था पोर्स जिसकी वजह से पिंपल्स हो रहे थे वो अभी नहीं होंगे, वो जो पोर्स ब्लॉक हो रहे थे अभी ओपन हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, जो आपकी स्किन के फर्स्ट लेयर रहती है उसे सेड ऑफ कर देता है ताकि पिंपल्स वगैरह होने के चांसेस कम हो जाए और आप यंग दिखें। तो दोस्तों, इसे लेने और लगाने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले, खुद से लेके लगाते हैं तो शायद आपको कहीं थोड़ा बहुत चांसेस रहे साइड इफेक्ट के, तो वो ये है कि आपको स्किन में थोड़ा जलन से महसूस हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। तो दोस्तों, इसका उपयोग के बारे में बात करें तो इससे आपके हाथ पे पाम पे लेना है और थोड़ा टाइम इसे पानी से मिक्स कर लेना, उससे पहले अपने आप अपना जो फेस है उसको गीला कर लेना, वेट कर लेना और हाथ पे इसे अच्छे तरह से मसाज करें और उसके बाद अपने फेस पे लगा के 20 सेकेंड तक छोड़ दें। 20 सेकेंड छोड़ने के बाद अब इसे फेस को वॉश आउट कर दें। तो दोस्तों, इसे आप डेली यूज कर सकते हैं और काफ़ी समय तक यूज कर सकते हैं। जब तो आपको चाहते हैं कि आपको हमेशा पिंपल्स से बचा रहे था और यंग दिखना चाहते हैं तो इसे कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे आप जब लगाते हैं तो एक बात का ख्याल रहे, जब आप धूप में जाते हैं, हीट में जाते हैं, तो आप या सनस्क्रीन का उपयोग करें या आप थोड़ा सा अम्ब्रेला का उपयोग करें, क्योंकि इसमें जो पीलिंग एजेंट होने की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा स्किन में जलन होगी जब अगर आप ऐसे ओपन धूप में जाते हैं या सन की किरणों में जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो एक लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार भेजिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केलम क्लीन फेस वॉश से अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।